हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग? थंबनेल देख करके आपका आइडिया तो हो गया होगा कि मैं आज क्या पढ़ाने वाला हूँ। तो बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो पूरा थियोरेटिकल होगा, और बहुत से लोगों को ये टॉपिक पहले से पढ़ रखा होगा, उन्हें आता भी होगा। लेकिन जिनको ये वाली बात नहीं पता है, मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इसको लास्ट में कराऊँगा। क्वेश्चन है हमारा, विच हैज़ मोर इनर्शिया? पहला ऑप्शन है हमारा अ प्लास्टिक बॉल, अ रबर बॉल, ऑप्शन सी इज अ स्टोन बॉल, पत्थर की गेंदा, और डी ऑप्शन है आयरन बॉल, लोहे की गेंदा या फिर बॉल को हिंदी में क्या कहते हैं, गेंदा ना। तो देखिए, अगर जिसको इसका ऑप्शन पता है ना, तो उनके लिए इस वीडियो में नया कुछ नहीं होने वाला है, और जिनको ये वीडियो नहीं ये क्वेश्चन नहीं पता इसका आंसर क्या होगा, उनके लिए ये है कि वो इस वीडियो को पूरा स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है मोहम्मद नबील और मेरे प्यारे से चैनल का नाम है फातिमा क्लासेस। सो वेलकम यू ऑल इन फातिमा क्लासेस, अ वेरी गुड मॉर्निंग। अभी बजे हैं सुबह के 7। तो देखिए, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन में हमें क्या पढ़ना है, स्टार्टिंग में करता हूँ फोर्स से आपकी। फोर्स क्या होता है, हम डे टू डे लाइफ में फोर्स का यूज़ कहीं ना कहीं तो करते हैं, जैसे डोर को जब हम ओपन कर रहे हैं, किसी स्विच को ऑफ करते हैं, ऑन करते हैं, किसी चीज़ को उठाते हैं, तो हम वहाँ तो फोर्स का यूज़ कर रहे हैं ना, उठा रहे हैं, लेकिन हमें क्या पता होता है कि हम वहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं। पता भी होता है हम लोगों को, लेकिन क्या हमें इसका फिजिकल टर्म मालूम है? नहीं मालूम है। तो चलिए आज मैं आपको इसका फिजिकल टर्म समझाता हूँ कि फोर्स होता क्या है हमारा। देखिए बच्चों, इसकी जो बेसिक डेफिनेशन होती है वो होती है, आप पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। किसी भी चीज को पुश करें हम या पुल करें, उसको हम क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। अब देखिए, पुश और पुल, आपने वर्ड कहाँ सुना होगा? जब भी आप किसी मॉल वगैरह में जाते हैं, शोरूम वगैरह में जाते हैं, वहां गेट पे लिखा होता है पुश और पुल, वहां पे देखा होगा आपने। तो वहां पे हर कोई जो है 2 सेकंड के लिए कंफ्यूज हो जाता है कि हम इसको क्या करें, अपने से दूर भेजें या अपनी तरफ लेकर के आए। तो देखिए, जैसे हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, या बॉक्स रखा है ग्राउंड पे, ये हम यहाँ से फोर्स लगा रहे हैं, और ये वाली फोर्स कैसी है, पुशिंग फोर्स है। यहाँ पे हम इसको पुश कर रहे हैं, हम यहाँ पे अगर खड़े हैं और यहाँ से अगर हम फोर्स लगा रहे हैं इसको, तो ये फोर्स कैसी होगी, पुश। पुश का मतलब होता है किसी भी चीज़ को, जैसे ये बॉक्स है, पुश का मतलब ये होता है अपने से किसी भी चीज़ को दूर कर रहे हैं, पुश का मतलब वो हो गया। पुल का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे एक दूसरा बंदा खड़ा है, ये तो पुश हो गया। अब यहाँ पे जैसे इसी बॉक्स को मान लीजिए, ये यहाँ रखा हुआ है और ये दूसरा बंदा खड़ा है यहाँ पे, अब ये क्या कर रहा है, बॉक्स पे फोर्स लगा रहा है। लेकिन जैसे ये क्या कर रहा था, इस तरफ लगा रहा था फोर्स को, इसका डायरेक्शन ये था, अब ये क्या कर रहा है, इस बॉक्स को अपनी तरफ खींच रहा है ये वाला बंदा। तो ये वाली जो फोर्स होगी ये हमारी होती है पुलिंग फोर्स, और ये वाली जो फोर्स होती है वो कहलाती है पुशिंग फोर्स। तो यहाँ पे मैं समझ में आया पुश और पुल का मतलब क्या होता है। पुश का मतलब होता है अपने से किसी चीज़ को दूर कर रहे हैं, और पुल का मतलब होता है किसी को अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, उसको पुलिंग फोर्स उस पर लगा रहे हैं। इसके और एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं फोर्स के, लिफ्टिंग, किसी भी चीज़ को उठाएं हम उसे भी हम फोर्स कह सकते हैं, ट्विस्टिंग, किसी चीज़ को मोड़ें, ट्विस्टिंग, पुशिंग पुलिंग तो हो ही गया हमारा, चलिए लिख देता हूँ फिर भी मैं, पुशिंग पुलिंग, फाइटिंग, नहीं फाइटिंग, फाइटिंग भैया फोर्स नहीं होता, ठीक है फाइटिंग मत लिखिएगा, फाइटिंग फोर्स नहीं होता है, फाइटिंग तो बहुत गलत बात है ना, किसी से नहीं करनी चाहिए फाइट हमको। तो जैसे ये एग्जाम्पल्स हो गए हमारे फोर्स के,
इसके और भी एग्जांपल हो सकते हैं, यहाँ पे ईटीसी करके लिख लीजिएगा आप। तो ये तो फोर्स की हमारी बेसिक डेफिनेशन थी। यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा फोर्स क्या होता है। अब देखिए इसकी जो यूनिट वगैरह होती है, इसका फॉर्मूला जो होता है एफ इक्वल टू एम ए, फोर्स का एफ इक्वल टू एम ए जो आता है यहाँ पे हमारा फॉर्मूला, मैं इसको आप इसका प्रूफ आपको जब न्यूटन का सेकेंड लॉ पढ़ाऊंगा तब दूंगा। आज की वीडियो में जो मैं आपको सिर्फ पढ़ाने वाला हूँ वो फोर्स क्या होता है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स और न्यूटन फर्स्ट लॉ इनर्शिया तक की ही पढ़ाऊंगा। देखिए पढ़ाने को मैं एक वीडियो में आपको पूरा लेक्चर चैप्टर ख़त्म कर सकता हूँ एक ही लेक्चर में, लेकिन वहाँ आपको डीप नॉलेज नहीं मिल पाएगी। बहुत से लोगों को मैंने देखा है पूरा चैप्टर जो है एक एक लेक्चर में ख़त्म कर देते हैं पता। लेकिन मैं आपको चाहता हूँ कि पूरी की पूरी जितनी भी उस टॉपिक से रिलेटेड नॉलेज है वो आपको सब कुछ दूँ, डीप नॉलेज देना चाहता हूँ। इसलिए मैं एक वीडियो में कुछ ही टॉपिक्स पढ़ाता हूँ, लेकिन उसकी जितनी भी नॉलेज हर एक बुक में दे रखी है वहाँ से लेकर के आता हूँ, ताकि आपको उसकी जितनी भी नॉलेज है वो मिल सके। तो ये तो फोर्स की बात हो गई। इसकी यूनिट वगैरह मैं न्यूटन के सेकंड लॉ में पढ़ाऊंगा आपको। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स क्या होते हैं हमारे, मतलब फोर्स क्या क्या कर सकता है। यहां लिखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्सेस। तो देखिए इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चों क्या होता है, अ फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी। फोर्स हमारा क्या करता है, जैसे कोई भी बॉडी अगर हमारी रुकी हुई है एक टेबल पे, मान लीजिए जैसे ये हमारी टेबल ले लीजिए और उस पर ये बुक रखी हुई है या पेन रखा हुआ है, मार्कर रखा हुआ है यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, जैसे ये रुका हुआ है स्टेशनरी है यहाँ पे, कोई भी चीज़ जब रेस्ट पे होती है तो हम उसको क्या कहते हैं, स्टेशनरी कहते हैं। स्टेशनरी का मतलब होता है रेस्ट पे है वो, अभी रुकी हुई है। अब जैसे ये रुकी हुई है तो हम क्या करेंगे, फोर्स लगा के इसको मूव करा सकते हैं। तो ये इसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक्स हुई। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है इसका, अ फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी। मतलब अगर हमारी कोई भी बॉडी मूव कर रही है, जैसे ये मार्कर है यहाँ पे मूव कर रहा है अपने आप, या फिर कोई कार है मूव कर रही है, तो क्या करेगा, फोर्स इसको लगाएगा, फोर्स इस पे लगेगा और ये रुक जाएगी। जैसे कोई कार है हमारी जब रोड पे मूव करती है वहाँ पे, तो हम ब्रेक लगाते हैं, ब्रेक वहाँ पे क्या है, एक तरीके का फोर्स तो लग रहा है। ब्रेक क्या करता है, फोर्स लगाता है ना टायर पे रुकने के लिए। तो फोर्स क्या कर रहा है वहाँ पे, उस कार को रोक रहा है, मूव कर रही है कार तो उसको रोक रहा है। या फिर ग्राउंड पे जब बॉल मूव करती है, जैसे ग्राउंड पे ये बॉल आगे की तरफ जा रही है तो इस पे फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ, ये फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। बॉल आगे की तरफ जा रही है, अब फ्रिक्शन फोर्स क्या कर रहा है, इसके मोशन को अपोज कर रहा है। तो धीरे धीरे क्या होती है, जब आपने देखा होगा बैट्समैन जब हिट करता है बॉल को तो अपने आप रुक जाती है, जब अगर कोई फिल्टर ना भी हो तब भी बॉल अपने आप थोड़ी देर बाद रुक जाती है, अगर हल्के से मारा है उसने, बाउंड्री तक नहीं जा पाती है। वो किस वजह से, क्योंकि यहाँ फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है, मूविंग बॉडी को स्टॉप करता है, मतलब मोशन को अपोज कर रहा है, जिसकी वजह से ये मूविंग बॉडी है हमारी रुक जा रही है वहाँ पे। तो ये इसकी सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। थर्ड होती है अ फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ ए बॉडी। फुटबॉल में देखा होगा आपने, जब एक प्लेयर दूसरे प्लेयर को हिट करता है, बॉल आ रही है, जब वो हिट करता है तो वो क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स लगाएगा ताकि उसके प्लेयर तक बॉल पहुंच सके। तो उसने फोर्स लगाया जिसकी वजह से क्या होता है, बॉल की स्पीड में चेंज आता है।
अगर वो मूव कर रही है पहले से किसी वेलोसिटी के साथ, तो उसकी वेलोसिटी वो या तो कम कर सकता है या ज़्यादा कर सकता है, कैसे भी। बस ये हमें समझ लीजिए यहाँ पे कि फोर्स क्या करेगा, किसी भी बॉडी पे की स्पीड को चेंज कर सकता है वहाँ पे। अब फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए बॉडी। फोर्स हमारा किसी भी बॉडी का डायरेक्शन चेंज कर सकता है। अब जैसे ये मार्कर मान लीजिए बोर्ड पे रखा हुआ है, अभी ये कैसे रखा है, एक्स एक्सिस के अलोंग रखा है, हॉरिजॉन्टल मैंने फोर्स लगा करके इसको कैसे कर दिया, वर्टिकली कर दिया। यहाँ पे फोर्स लगा तभी तो इसका डायरेक्शन चेंज हुआ, पहले ये एक्स एक्सिस में था, अभी कैसे हो गया, वाई एक्सिस के अलोंग हो गया। या फिर इसका दूसरा एग्जाम्पल, फुटबॉल तो हर कोई खेलता है, जब एक प्लेयर दूसरे प्लेयर को पास करता है बॉल तो क्या करता है, फोर्स लगा के बॉल का डायरेक्शन तो चेंज कर रहा है वहाँ पे। इसका फिफ्थ और लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है हमारा बच्चों, अ फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या करेगा, किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप और साइज चेंज कर सकता है। वो कैसे, देखिए जैसे मेरे पास यहाँ पे एक कार्ड है, अब कार्ड का शेप देख लीजिए ऐसे है पूरा, ये मैंने क्या करा, इस पे फोर्स लगाया, इसका शेप और साइज चेंज हो रहा है। देखिए यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहा है आप लोगों को, फोर्स लगाने पे मैं इसका शेप और साइज क्या कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे। तो किसी भी चीज़ पे अगर हम फोर्स लगाते हैं तो उसका शेप और साइज क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है वहाँ पे। तो ये हमारे पांच कैरेक्टरिस्टिक्स थे। वीडियो को पॉज करिए और जल्दी से कॉपी पेन निकालिए, उसको लिखना शुरू करिए, अपने उसको नोट्स बनाते चला करिए ताकि रिवीजन में आपको आसानी हो। लिख लिया, चलिए अब आगे बात करते हैं कि फोर्स हमारे कितने टाइप के होते हैं। तो बच्चों जो फोर्स हमारे होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, जिसमें से पहला हमारा कहलाता है बैलेंस्ड फोर्स और दूसरा जो होता है ये कहलाता है अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स में क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगने वाले सारे फोर्स उस ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं करते हैं। एग्जाम्पल से देखिए यहाँ पे, जैसे बॉक्स रखा है या ग्राउंड पे एक टेबल रखी हुई है, यहां से आप फोर्स लगा रहे हैं और यहां से आपका दोस्त फोर्स लगा रहा है, इसका नाम ले लीजिए मोहन और ये हो गया रोहन। अब मोहन और रोहन का फोर्स जो है यहां पे दोनों का इक्वल है, मतलब एम इक्वल टू आर फोर्स लगा रहे हैं, जितना मोहन लगा रहा है फोर्स उतना ही रोहन लगा रहा है। अब इस टेबल पे और कौन सा फोर्स लग रहा होगा, एक तो नीचे की तरफ लग रहा होगा फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और एक ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा होगा, इसे हम कहते हैं रिएक्शन फोर्स। ये रिएक्शन फोर्स कैसे लगता है इसको मैं आगे पढ़ाऊंगा। ये रिएक्शन फोर्स है किसकी वजह से लग रहा है, ड्यू टू द ग्राउंड की वजह से लग रहा है, और ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। तो देखिए रिएक्शन फोर्स जो होता है हमारा फोर्स ऑफ ग्रेविटी के इक्वल है, और जो मोहन फोर्स लगा रहा है वो किसके इक्वल है, रोहन के इक्वल है यहाँ पे। तो क्या बताइए ये टेबल यहाँ पे मूव करेगी, जैसे एग्जाम्पल लीजिए आप और आपका फ्रेंड टेबल को पुश कर रहे हैं एक दूसरे की तरफ और दोनों इक्वली फोर्स लगा रहे हैं वहाँ पे, तो टेबल का डायरेक्शन क्या रहेगा, मतलब मोशन क्या रहेगा, जैसे वहाँ पे पहले रुकी हुई थी तो पहले भी रुकी रहे बाद में भी रुकी रहेगी वो,
क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में कैसा इक्वल फोर्स लगा रहे हैं ना, वो मूव तो करेगी नहीं। तो ऐसे फोर्सेस को बच्चों हम कहते हैं बैलेंस फोर्स, कि जहाँ पे लगने वाले और किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगने वाले फोर्स इक्वल होते हैं अगर, और ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ मोशन चेंज ना हो, उसे हम कहेंगे बैलेंस्ड फोर्स। या फिर इसका दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, यहाँ से मोहन को हटा दिया, यहाँ पे रोहन ले लीजिए, मोहन को भी चलिए हटा देते हैं यहाँ से। अब यहां से हम फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स कौन लगा रहा है, हम लगा रहे हैं जैसे फोर्स ऑफ अवर पुश ले लीजिए इसको, हम यहां से धक्का दे रहे हैं। अब सबको मालूम है टेबल यहां रखी हुई है ग्राउंड पे, तो ग्राउंड टेबल पे और कौन सा फोर्स लगा रहा होगा, जब ये टेबल मूव करेगी तो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा उस पे, और जब टेबल रुकी हुई है तब भी फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा। तो अगर मानिए आपने फोर्स इतना लगाया है जितना इसका फ्रिक्शन फोर्स है, जैसे अगर आपने यहाँ से 5 न्यूटन का फोर्स लगाया है, न्यूटन क्या होता है इसकी यूनिट होती है वो बाद में बताऊंगा, बस अगर 5 न्यूटन का फोर्स लगाया है और यहाँ से फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, वो भी बच्चों हमारा 5 न्यूटन का है, तब भी ये हमारी टेबल क्या करेगी, मूव नहीं करेगी। मतलब इसका स्टेट ऑफ मोशन कैसा है, रेस्ट पे पहले था, बाद में भी फोर्स लगने के बाद भी कैसा रहेगा, रेस्ट पे रहेगा। तो ऐसे फोर्सेस को हम कहते हैं बैलेंस्ड फोर्स। क्या ये ज़रूरी है कि बैलेंस्ड फोर्स हमेशा रेस्ट ऑब्जेक्ट पे लगेगा, सोचिए बताइए ज़रूरी है कि नहीं है ये। तो बच्चों ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि हमेशा रेस्ट ऑब्जेक्ट पे ही हमारा बैलेंस्ड फोर्स लगेगा। अगर यहाँ पे कोई कार है हमारी, खूबसूरत सी कार बनने वाली, बच्चों यहाँ देखिएगा, ये हमारी ऑडी है यहाँ पे। अब ये मत कहना छी सर इतनी गंदी ऑडी, कोई नहीं बच्चों रियल की ऑडी लाऊंगा तब दिखाऊंगा आप लोगों को इंशाल्लाह आमीन। अब देखिए जैसे ये हमारी ऑडी है, ये मूव कर रही है यहाँ पे। अब जब ये मूव करेगी, मान लेते हैं इस तरफ मूव कर रही है, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या लगेगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। अगर यहाँ से मैं क्या करूँ, इन सारे फोर्सेस को बैलेंस कर दूं, मतलब फ्रिक्शन फोर्स को और इस वाले फोर्स को मैं बैलेंस कर दूं, तो ये ऑब्जेक्ट हमेशा कैसा रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता रहेगा, कभी नहीं रुकेगा। या तो मैं यूं कहूं कि अगर मैं ये जो फ्रिक्शन फोर्स है इसको यहां से हटा दूं, मतलब जब कार हमारी चल रही है रोड पे और रोड से अगर फ्रिक्शन फोर्स खत्म हो जाए, फ्रिक्शन फोर्स उसको रोकेगा मोशन को, और एयर फ्रिक्शन रोकता है, मतलब आप जब जाते हैं तो कुछ हवा का प्रेशर भी तो होता है ना जो आपके मोशन को अपोज करता है। अगर मैं इन दोनों फोर्सेस को वहां से हटा दूं और कार अगर हमारी कैसी है मोशन में है, और इस पे लगने वाले सारे फोर्सेस इस टाइम बैलेंस हैं, तो कार हमेशा हमारी कैसे रहेगी, मोशन में रहेगी, वो कभी नहीं रुकेगी। अगर फ्रिक्शन फोर्स और एयर फ्रिक्शन हटा दिया हमने, तो क्या करेगी, हमेशा मोशन में ही रहेगी, कभी भी वो रेस्ट पे नहीं आएगी जब तक कि इसके मोशन को अपोज करने के लिए कोई और दूसरा फोर्स नहीं लगता। तो ये हो गई बैलेंस फोर्स की बात, अब आते हैं अनबैलेंस फोर्स की तरफ। सेम एग्जांपल वही लीजिए बॉक्स वाला, ऊपर की तरफ फोर्स लगेगी रिएक्शन फोर्स, नीचे लगने वाली फोर्स फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। इधर से आप फोर्स लगा रहे हैं, यहां पे आप खड़े हैं इस पर, और पिछली बार आपने फोर्स जो लगाया था यहाँ पे 5 न्यूटन का लगाया था, इस टाइम आप लगाएंगे यहाँ पे 12 न्यूटन का फोर्स। सेम वही चीज़ है, यहाँ पे टेबल लिया, यहाँ पे बॉक्स ले, चलिए इसको भी टेबल ले लेते हैं। अब यहाँ पे आप कितना फोर्स लगा रहे हैं, 12 न्यूटन का लगा रहे हैं फोर्स, और जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो इस टाइम कैसा लग रहा है, हमेशा फ्रिक्शन फोर्स कैसा लगता है, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो फ्रिक्शन फोर्स इस केस में जो लग रहा है
वो पहले की तरह 5 न्यूटन लग रहा है। देखिए लास्ट केस में क्या हुआ था, इस 5 न्यूटन फ्रिक्शन फोर्स ने बैलेंस कर रखा था, जिसकी वजह से इसके मोशन में कोई चेंज नहीं आ रहा था, ये रेस्ट पे था। इसीलिए बाद में भी क्या रहा था, फोर्स लगने के बाद भी रेस्ट पे रहा था। लेकिन इस वाले केस में देखिए, जब ये 12 न्यूटन हमने फोर्स लगाया इस पे और फ्रिक्शन फोर्स कितना है 5 न्यूटन, मतलब उधर आपका दोस्त 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हो, इधर से आप 12 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, इस टाइम आपका फोर्स ज़्यादा है, तो क्या करेगी, टेबल मूव करना शुरू हो जाएगी। सेम वही कंडीशन है जब इस बंदे ने 12 न्यूटन का फोर्स लगाया और यहाँ से अपोज करने के लिए सिर्फ 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो ये क्या करेगी, टेबल मूव करना स्टार्ट कर जाएगी। ये टेबल थी, मैंने यहाँ से 12 न्यूटन का फोर्स लगाया और इधर से लग रहा है पूरा इसमें फ्रिक्शन फोर्स 5 न्यूटन का, 12 ज़्यादा होता है 5 से, तो फ्रिक्शन फोर्स को ख़त्म किया, अब ये मूव करना स्टार्ट कर गई, ये आगे बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे जो फोर्स आए हमारे कैसे आ गए, अनबैलेंस फोर्स आ गए। अनबैलेंस फोर्स कौन सा हुआ, ये वाला अनबैलेंस हुआ ना, ये तो बैलेंस था, लेकिन ये दोनों कैसे हो गए, अनबैलेंस फोर्स हो गए, जिसकी वजह से इसमें क्या हुआ, मोशन स्टार्ट हो गया। तो कभी भी अनबैलेंस फोर्स होता है तो वहाँ पे हमें स्टेट ऑफ मोशन में क्या आता है, चेंजेस आता है। जैसे यही कार वाला एग्जाम्पल इसमें लीजिए फिर से, अब ये आगे की तरफ जा रही थी तो इस पे क्या लग रहा था, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा था। रोड पे तो अपने आप फ्रिक्शन फोर्स रहता है ना, ये रोड पे मूव कर रही है हमारी, तो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। फ्रिक्शन फोर्स कैसा होगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे। अब जब आपने कार को एक्सेलरेट करना बंद कर दिया, मतलब आप क्या कर रहे हैं, कार को बंद कर दिया आपने एक्सेलरेट करना, या फिर पेट्रोल ख़त्म हो गया, तो क्या होगा, आपकी कार अपने आप धीरे धीरे करके रुक जाएगी। वो किस वजह से रुकेगी, क्योंकि वहाँ पे अनबैलेंस फोर्स लग रहे हैं। ये वाला फोर्स जो होगा कार वाला, जो अंदर का मैकेनिकल फोर्स है जिसकी वजह से कार आगे बढ़ रही थी, वो वाला फोर्स धीरे 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 कम होता जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो फ्रिक्शन फोर्स के बराबर हो जाएगा। तो जैसे ही वो फ्रिक्शन फोर्स के बराबर होगा, उस केस में क्या हो जाएगी, हमारी कार रुक जाएगी वहाँ पे। तो यहाँ अनबैलेंस फोर्स से हमें ये समझ में आया कि अनबैलेंस फोर्स किसी भी चीज़ पे या किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगता है तो उसके मोशन में क्या आता है, चेंज आता है। अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट से क्या कर जाएगी, मूव करना स्टार्ट कर जाएगी। अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट से क्या हो जाएगा, मोशन स्टार्ट हो जाएगा उसके अंदर, और अगर मोशन है तो वो रेस्ट पे आ जाएगी। वाइस वर्सा भी हो सकता है, अनबैलेंस फोर्स अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगता है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं न्यूटन्स के लॉ ऑफ मोशन की तरफ। लेकिन मैं आप लोगों को देखिए एक नई चीज़ थोड़ी पढ़ाऊंगा, या तो बहुत से लोगों ने पढ़ा भी होगा, देखिए बच्चों न्यूटन्स के लॉ ऑफ मोशन पढ़ाने से पहले मैं आपको यहाँ पे गैलीलियो के बारे में बताऊंगा कि गैलीलियो थे कौन। देखिए क्या होता है ना, न्यूटन्स ने जो हमें लॉ ऑफ मोशन दिए थे, ऐसा तो है नहीं कि न्यूटन्स ने एकदम से जो एक दिन में ही आकर के सारे लॉ दे दिए होंगे कि ये भाई तीन सिद्धांत हैं, ये तीनों ट्रू होते हैं और ये मैंने बनाए हैं। क्या ऐसा हुआ होगा, जैसे आपको सोचिए आज के टाइम पे जो हम मोबाइल फोन्स वगैरह यूज़ करते हैं, क्या ये एक दिन में इनका आविष्कार हो गया था, नहीं ना। इससे पहले क्या थे, टेलीफोन्स वगैरह थे जिसमें वायर के थ्रू हम जो है एक दूसरे से बात करते थे। फिर धीरे धीरे जो है स्टडी होती गई, लोगों ने टेक्नोलॉजी को इन्वेंट किया, फिर काफ़ी टाइम बाद जो है आ करके आज हम इसका एक बेटर फॉर्म देख पा रहे हैं मोबाइल्स का, नहीं तो इससे पहले टेलीफोन्स वगैरह थे। तो ऐसे जो यहाँ पे न्यूटन्स ने हमें लॉ दिए थे, उन्होंने भी दूसरों के लॉ को पढ़ करके ही एक नया और अच्छा प्रिंसिपल बनाया था, या फिर ये कह सकते हैं सिद्धांत दिया था उन्होंने। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पर न्यूटन ने ही दिया था, तो ये जो महान साइंटिस्ट हैं इनको हम निग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, जिनका नाम है गैलीलियो गैली। गैलीलियो गैली एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट है, और इनका जन्म जो हुआ था बच्चों वो इटली में हुआ था 1564 में, और ये डाइट कर गए थे 1642 में।
अब देखिए बच्चों, इन्होंने क्या बताया था, गैलीलियो स्टेट्स दैट्स इन्होंने हमें तीन पॉइंट बताए थे जिनकी स्टडी बाद में न्यूटन ने करी और न्यूटन ने अपने लॉस दिए थे। फिर पहला क्या कहा था इन्होंने, इफ एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट इट विल रिमेन एट रेस्ट। सेकेंड पॉइंट इन्होंने बोला था, इफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन देन इट विल रिमेन इन मोशन। विथ सेम स्पीड थर्ड और लास्ट पॉइंट इन्होंने जो बोला था हमसे वो कहा था, इफ वी अप्लाइड अ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट देन इट्स वेलोसिटी विल चेंज एंड इट्स एक्सीलरेट्स। तो आइए समझते हैं इनके तीनों पॉइंट्स को। पहला इन्होंने कहा था, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो वो क्या करेगा, रुका ही रहेगा। जैसे मान लीजिए ये मार्कर पेन मेरे हाथ पे रुका है तो ये रुका ही रहेगा हमेशा। इफ़ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, जैसे ये कार है एक स्ट्रेट पाथ पे जा रही है, तो ये क्या करेगी, इट विल रिमेन इन मोशन विद सेम स्पीड। तो ये अपने मोशन को कंटिन्यू रखेगी सेम स्पीड के साथ ही। इफ वी अप्लाइड अ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट देन इट्स वेलोसिटी विल चेंज एंड इट एक्सीलरेट। जैसे ये मार्कर है यहाँ पे, अब मैंने फोर्स लगाया इसके ऊपर, फोर्स लगाया तो क्या हुआ, इसकी वेलोसिटी में चेंज आया। जब वेलोसिटी में चेंज आया तो ये क्या करने लगी, एक्सीलरेट करने लगी। पहले आपको बता रखा है मैंने मोशन चैप्टर में, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे मोशन की वीडियोस नहीं देखी हैं तो जाइए यूट्यूब पे, टाइप करिए मोशन फातिमा क्लासेस और वहाँ पे देखिए मोशंस की वीडियोस। काफ़ी छोटी छोटी तो नहीं कहेंगे, 7 वीडियोस मैंने शूट करी हैं, लेकिन आपको वहाँ पे फुल कॉन्सेप्ट मैंने समझाया है, हर एक जो टॉपिक है काफ़ी मैंने ब्रॉड उसको जो है एक्सप्लेनेशन दिया उनका, तो जाइए और देखिए। तो वहाँ पे मैंने बताया था, जब जब वेलोसिटी में चेंज आता है, जब जब वेलोसिटी में चेंज आता है तो वहाँ क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा। तो ऐसे ही यहाँ पे हो रहा है, इसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो ये क्या कर रही है, एक्सेलरेट कर रही है। अब इन्हीं के पॉइंट्स वगैरह को पढ़ के न्यूटन ने अपने लॉस दिए थे, वो क्या थे, वीडियो को पॉज करिएगा और इन सारे पॉइंट्स को लिख लीजिएगा आप। तो बच्चों न्यूटन ने हमें कितने लॉज दिए थे, तीन लॉ, हर कोई जानता है। पहले ये बात कर लेते हैं कि न्यूटन जो है कब पैदा हुए थे। न्यूटन का जो जन्म हुआ था 1643 में हुआ था, और मे बी डाइड जो ये करे थे 1727 में। आप चेक कर लीजिएगा क्या ये डेट सही लिखी है, लेकिन जब ये पैदा हुए थे तो 1643 में हुए थे, और जब गैलीलियो डाइड जब गैलीलियो मरे थे तो कौन से उसमें थे, 1642 में।
मतलब उनके मरने के 1 साल के बाद न्यूटन का जन्म हुआ था। अब इन्होंने हमें कितने लॉस दिए थे? 3 लॉ दिए थे जिसको हम जानते हैं, किस नाम से जानते हैं हम उनको? फर्स्ट लॉ के, सेकंड फर्स्ट लॉ के नाम से जानते हैं, सेकंड लॉ के नाम से, और थर्ड लॉ के नाम से जानते हैं उन्हें हम। तो बच्चों आज मैं आपको जो सिर्फ पढ़ाने वाला हूँ वो बताऊंगा सिर्फ फर्स्ट लॉ के बारे में ही। मेरे मार्कर की इंक खत्म हो गई है, मैं चेंज कर लेता हूँ इसे। आज हम आपको पढ़ाएंगे फर्स्ट लॉ के बारे में, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ, इनके लिए अलग से मैं वीडियो डालूंगा। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। फर्स्ट लॉ हमारा था क्या? न्यूटन अंकल ने अपने फर्स्ट लॉ में बताया था हमें इफ एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट इट विल रिमेन एट रेस्ट एंड इफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन इट विल रिमेन इन मोशन। Until and unless an external force is applied on it. देखिए न्यूटन ने अपने पहले लॉ में हमसे क्या कहा है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो हमेशा क्या करेगा, रुका ही रहेगा। जैसे ये मार्कर को मैंने अपने हाथ पैर से रोक रखा है तो ये हमेशा रुका रहेगा। और अगर जैसे ये मार्कर यहाँ पे चल रहा है, कोई टेबल पे मान लीजिए कोई कार चल रही है, रोड पे कार चल रही है, तो वो हमेशा चलती रहेगी जब तक कि उसके ऊपर, अनटिल एंड अनलेस हम कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं। जैसे आपने टेबल पे एक बुक रख रखी है तो वो कयामत तक के ही टेबल पे बुक वो रखी रहेगी। सही बोला ना? हाँ, टेबल पे बुक रखी रहेगी जब तक कि हम उस पे बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाते हैं। जब हम बाहर से फोर्स लगाएंगे उसके ऊपर, एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे, तो उसकी पोजीशन में क्या आएगा, चेंज आएगा, मोशन आ जाएगा। जैसे रेस्ट पे थी, हमने फोर्स लगा के उसके मोशन में चेंज लाया, तो स्टेशनरी से वो कैसे आ गई, यूनिफॉर्म मोशन में आई ना, मूव करने लगी वहाँ पे। और अगर कोई कार यहाँ पे मूव कर रही है रोड पे, ये मूव कर रही है, ज्यों जा रही है, अगर मैं वहाँ से सारे फ्रिक्शन फोर्स हटा दूँ और एयर फ्रिक्शन हटा दूँ, देखिए कार के अब मोशन को कौन रोक रहा है वहाँ पे? फ्रिक्शन फोर्स रोकता है। जैसे आप बाइसिकल करते हैं, बाइसिकल तो हर कोई चलाता होगा, जब आप पैडलिंग करना स्टॉप करते हैं तो धीरे थोड़ी देर बाद क्या होता है, बाइसिकल अपने आप रुक जाती है। तो ऐसा किस वजह से होता है? क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स क्या कर रहा है, उसको धीरे धीरे करके रोक रहा है। अगर मैं वहाँ से फ्रिक्शन फोर्स को हटा दूँ और एयर फ्रिक्शन को भी हटा दूँ, थोड़ा हवा का भी प्रेशर हमारे मोशन को अपोज करता है। गर्मियों में देखा होगा आपने, जब साइकिल चलाते कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, या जब तेज़ हवा चलती है तो आप देखिए आपको ज़्यादा मेहनत लगती है उस टाइम साइकिल चलाने में। वो किस वजह से होता है? क्योंकि एयर का प्रेशर हम पे जो है फोर्स लगा रहा है, जिसकी वजह से हमें और ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है बाइसाइकिल चलाने के लिए। तो अगर मैं फ्रिक्शन फोर्स और एयर के फ्रिक्शन को हटा दूँ वहाँ से, एयर के फोर्स को हटा दूँ, तो वहाँ पर क्या होगा, आपकी बाइसाइकिल अगर चल रही है, आप एक बार पैडल करेंगे तो आपकी बाइसाइकिल चलती जाएगी, क्योंकि आपकी फोर्स को अपोज करने के लिए और कोई फोर्स तो है नहीं, आपके मोशन को अपोज करने के लिए वहाँ पे कोई और फोर्स है नहीं। तो आपका मोशन अगर वहाँ पे कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन है, तो आप हमेशा यूनिफॉर्म मोशन में जाते रहेंगे, कभी आप नहीं रुकेंगे जब तक कि मैं बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाऊंगा आपके मोशन को अपोज करने के लिए। तो वही चीज़ उन्होंने बताई है, इफ़ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन इट विल रिमेन इन मोशन
अनटिल एंड अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, जब तक कि हम बाहर से फोर्स नहीं लगाएंगे तो वो अपने मोशन में क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। स्थिर मतलब सेम रहेगा, जैसे उसका मोशन अगर वहाँ पे रेस्ट है तो रेस्ट पे रहेगा, अगर वो मूव कर रहा है तो मूव करता ही जाएगा। तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब देखिए, मैंने आपको गैलीलियो लॉ क्यों बताया था, वहाँ पे आप स्टार्टिंग की इसकी दो लाइनें देखिए, इफ़ एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट इट विल रिमेन एट रेस्ट एंड इफ़ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन इट विल रिमेन इन मोशन। ये बात तो हमें गैलीलियो ने भी बताई थी ना, तो गैलीलियो ने भी तो यही बात बताई है ना। मैंने क्या कहा था, न्यूटन ने गैलीलियो के लॉ को पढ़ के ही अपने लॉस दिए थे, लेकिन गैलीलियो ने क्या कहा था वहाँ पे, ये चीज़ हमें नहीं बताई थी। तो इन्होंने क्या करा, स्टडी किया थोड़ा, उसको और मॉडर्नाइज किया, अच्छे से एक्सप्लेन किया, इसलिए इनके लॉस को हम जो है पढ़ते हैं वहाँ पे। गैलीलियो ने सिर्फ हमें यहाँ तक के बताया था, उन्होंने ये नहीं बताया था कि ऐसा किस वजह से होता है। न्यूटन ने उसकी हमें पूरी वजह दी है, एक अच्छे से वजह बताई है कि ऐसा क्यों हो रहा था। वो इस वजह से होता है क्योंकि अगर हम किसी चीज़ पर अगर बाहर से फोर्स लगाते हैं, सिर्फ तभी और तभी, कोई गाना तो नहीं है ना, नहीं है, नहीं तो बच्चे मजाक बना लेते हैं, ऐसा सिर्फ तभी होगा जब तक कि हम उस पर बाहर से फोर्स नहीं लगाएंगे। अब देखिए ऐसा क्यों होता है, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे बुक रखी है, तो ऐसा क्यों होगा कि बुक यहाँ पे रखी ही रहे, अपने आप क्यों नहीं चल देती है वो। या फिर अगर कोई कार जा रही है रोड पे, उस पर फ्रिक्शन फोर्स है वहाँ पे, फ्रिक्शन फोर्स नहीं है और एयर का फ्रिक्शन है, फोर्स भी नहीं है वहाँ पे उसको रोकने के लिए, तो कार हमेशा चलती चली जाएगी। ऐसा क्यों हो रहा है कि वो अपने मोशन में चेंज नहीं लाना चाह रही है। या फिर बुक अगर टेबल पर रखी है, ये मान लीजिए टेबल है हमारा, बोर्ड टेबल हो गया और ये बुक हो गई हमारी है, वहाँ पर रखी हुई है, तो हमेशा वो रुकी ही क्यों रहेगी वहाँ पे। तो बच्चों ऐसा इस वजह से होता है, हर एक बॉडी के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है जो कि अपने अंदर आने वाले चेंज को क्या करेगी, मना करेगी। और इसी चेंज को हम क्या कहते हैं, इसी प्रॉपर्टी को हम बच्चों कहते हैं इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है बच्चों, इट इज द प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट, रेजिस्ट मतलब मना करती है, वो रेजिस्ट अ चेंज ऑफ देखिए बच्चों इनर्शिया क्या होता है, हमारे अपने अंदर बॉडी में एक प्रॉपर्टी होती है जो कि मोशन के आने वाले चेंजेस को मना करती है। अगर जैसे हमारी बॉडी रेस्ट पे है तो वो कैसा चाहेगी कि रेस्ट पे हम रहें, जैसे कोई अगर पढ़ नहीं रहा है, उसकी मम्मी से कह रही जाओ बेटा पढ़ लो जा करके, तो क्या कहेगा, नहीं मम्मी हमें तो गेम खेलना है, पढ़ाई नहीं करनी है, तो क्या कह रहेगा, गेम खेलना चाहेगा। तो ऐसी मोशन की एक बॉडी की एक प्रॉपर्टी होती है जो कि अपने अंदर आने वाले मोशन के, किसी भी टाइप के मोशन को मना करती है, वो जैसा चाहती है कि जैसे वो पहले थी, जैसे वो बॉडी वो पहले थी वो वैसे बाद में भी रहे। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट द चेंज इन टू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। इसका मतलब ये हुआ कि एक बॉडी की प्रॉपर्टी है जो कि रेजिस्ट मतलब अपनी पुरानी पोजिशन को रिटेक करना चाहती है, जैसे अगर उसके अंदर कोई मोशन में चेंज आ रहा है, अगर वो रेस्ट पे है तो क्या चाहेगी, रेस्ट पे ही रहे, और अगर मोशन में है तो वो चाहेगी वो मोशन में ही रहे। इसका एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, जैसे आप बस वगैरह में बैठे होते हैं, बस एकदम सडनली से स्टार्ट होती है तो आपकी बॉडी क्या पीछे की तरफ बेंड हो जाती है, या फिर बाइक पे आप बैठे हुए हैं, सडनली बाइक स्टार्ट हुई आपकी, तो क्या होता है, जो पीछे इंसान बैठा होता है पीछे की तरफ बेंड हो जाता है। वो क्यों, क्योंकि वो चाहता है कि उसकी बॉडी क्या रहे, रेस्ट पे रहे, और वो पुरानी पोजीशन को रिटेक करना चाहता है। तो पुरानी पोजीशन को रिटेक करने के लिए, जैसे वो अभी बैठा है, ये बाइक है, इस पे बैठा हुआ है, बाइक जैसे स्टार्ट हुई बाइक आगे की तरफ जाएगी, तो पर्सन क्या करेगा, अपनी पुरानी पोजीशन को रिटेक करने के लिए पीछे की तरफ बेंड हो जाएगा हल्का सा, क्योंकि लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी किससे, बाइक से लगा हुआ है, अपर पार्ट बॉडी कैसा है, रेस्ट पे है,
वो तो अटैच है नहीं बाइक से, तो इसलिए वो अपनी पुरानी पोजीशन को रिटेक करेगा। इसके और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ इनर्शिया के, लेकिन इससे पहले आप ये समझ लीजिए कि इनर्शिया कितने टाइप के होते हैं, उसी में आपको मैं एग्जांपल देता हूँ इसके। टाइप्स ऑफ इनर्शिया, हेडिंग डालिएगा आप लोग। तो बच्चों इसका जो पहला टाइप होता है वो होता है इनर्शिया एट रेस्ट। दूसरा होता है इनर्शिया एट मोशन। थर्ड होता है हमारा इसका टाइप इनर्शिया ड्यू टू डायरेक्शन, या फिर एट डायरेक्शन हम कह सकते हैं इसे। मतलब यहाँ पे जो इनर्शिया हो रहा है ये डायरेक्शन की वजह से हो रहा है। इसको बच्चों आप एग्जांपल से समझिए, इनर्शिया रेस्ट का मतलब क्या होता है, जैसे कोई हमारी बॉडी रेस्ट पे है तो क्या चाहेगी, रेस्ट पे रहना। आपकी बुक्स वगैरह में एग्जांपल दिया है, ये एक्टिविटी दी है, जैसे हमने एक कार्ड ले लिया यहाँ पे और एम्प्टी ग्लास लिया है यहाँ पे। अब क्या होगा, इस कार्ड के ऊपर मैं इस कॉइन को रख रहा हूँ, ये मेरे पास कॉइन है, मैंने इस कॉइन को रखा। अभी कॉइन कैसा है, रेस्ट पोजिशन में है यहाँ पे। अब मैं क्या करूँगा, इस कार्ड पर फोर्स लगाऊंगा, जिसकी वजह से क्या होगा, कार्ड आगे जाएगा। क्या साथ के साथ कॉइन भी आगे मूव करेगा हमारा, पता नहीं, चलिए देखते हैं हम। तो हमने क्या करा, यहाँ पे कार्ड पे फोर्स लगाया, ये लगा फोर्स हमारा। जब कार्ड पे हमने फोर्स लगाया तो क्या हुआ, कार्ड आगे की तरफ गया, बट कॉइन हमारा क्या रहा, कॉइन नीचे की तरफ गया। कैसा था वहाँ पे, कॉइन रेस्ट पोजीशन पे था, हमने फोर्स किस पे लगाया, कार्ड पे लगाया, जिसकी वजह से कार्ड आगे गया। अब कार्ड पे तो कॉइन रखा था, हालांकि जाना तो कार्ड को भी, आई मीन कॉइन को भी आगे चाहिए था, कार्ड के साथ दोनों को साथ साथ आगे मूव करना चाहिए था, लेकिन कॉइन ने क्या कहा कि इनर्शिया की वजह से मैं अपनी पुरानी पोजीशन को रीटेक करूंगा, मैं तुम्हारे साथ आगे नहीं जाऊंगा, हमारा रिश्ता बस यहीं तक के था, अब नहीं हो सकता इसके आगे। अब रिश्ते की बात करके आप लोग जो है ये मत कहिएगा सर आप इमोशनल कर रहे हैं, कहिए तो मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ एक बार। ये रहा कॉइन और ये रहा कार्ड हमारा। आप चाहे जितनी भी फोर्स लगा लीजिएगा, हमेशा कॉइन नीचे की तरफ गिरेगा, ये कार्ड के साथ आगे नहीं जाएगा। ये देखिए फोर्स लगाया, कॉइन फिर नीचे आया, कार्ड आगे की तरफ गया। कॉइन नीचे हालांकि आ रहा है, वो ऐसा तो है नहीं यहाँ पे रुका रहेगा, ग्रेविटी उसको अपनी तरफ खींच रही है, लेकिन ये कार्ड के साथ आगे नहीं जाएगा कभी भी। तो इससे हमें ये समझ में आया इनर्शिया एट रेस्ट पे, कि कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पोजिशन पे है तो अपनी पुरानी पोजिशन को रीटेक करना चाहेगा ड्यू टू इनर्शिया। अब इनर्शिया एट मोशन का मतलब क्या होता है, देखिए इसमें समझाने वाला है कुछ, लिखवाने वाला कुछ नहीं, बस एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। आप लिखना चाहें तो मेरे इन बातों को अपने नोट्स में लिख सकते हैं आप। इनर्शिया एट मोशन का मतलब ये होता है, जैसे आप मोशन में हैं, कार वगैरह में बैठे हुए हैं आप, सडनली ब्रेक अप्लाई होता है तो आप आगे की तरफ बेंड करते हैं, जैसे कार में बैठे हैं आप, ये कार चला रहा हूँ मैं, ड्राइव कर रहा हूँ और बैठा हुआ है कोई साइड में, मैंने एकदम से ब्रेक लगाया तो क्या होता है, आगे की तरफ मैं बेंड करता हूँ, आगे की तरफ झटका आता है एकदम से। या फिर ट्रेन वगैरह में बैठे हैं, बस में बैठे हैं, स्पीड में जा रही है, रुकती है जब, तो हम क्या करते हैं, आगे की तरफ बेंड होती है हमारी बॉडी। वो किस वजह से हो रही है, इनर्शिया एट मोशन, क्योंकि उस टाइम हमारी बच्चों बॉडी ऐसी है, मोशन में है, तो हमारी बॉडी क्या चाहेगी, ड्यू टू इनर्शिया वो मोशन में ही रहना चाहेगी। अब वहाँ तो ट्रेन तो रुक रही है, कार तो रुक रही है, लेकिन इनर्शिया की वजह से आपकी बॉडी क्या चाहेगी, मोशन में आना, जिसकी वजह से वो आप आगे की तरफ जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है सामने वाला पैसेंजर उठ करके अपने पास वाले पैसेंजर, मतलब जो उसके सामने बैठा होता है उसके पास जा तक के गिरता है, जब एकदम सडनली ट्रेन वगैरह में जो है ब्रेक लगते हैं। इसीलिए होता है कार में जो हमसे कहते हैं सीट बेल्ट लगाने के लिए, वो इसीलिए कहते हैं, जब हम कार को ड्राइव कर रहे हो और एकदम सडनली अगर हमें कभी ब्रेक लगाना पड़ जाए तो हम आगे विंडशील्ड जो लगी होती है उसमें जाके ना टकराएं और इंजरी होने से बच सकें। इसीलिए हमसे कहते हैं वाइल्ड ड्राइविंग यूज़ द सीट बेल्ट। तो इनर्शिया एट मोशन का मतलब समझ में आया। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे आप यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, एकदम से शार्प टर्न आया और आपने क्या करा, अपनी कार को टर्न करा, यहाँ से आप जा रहे थे कार से, यहाँ पे आपने क्या करा, कार को अपनी शार्प टर्न दिया राइट में। तो क्या होता है, आपने देखा होगा जब भी कार जो शार्प टर्न लेती है राइट में, आपकी बॉडी क्या करेगी,
लेफ्ट में मुड़ जाएगी, क्योंकि इनर्शिया की वजह से आपकी बॉडी ने एक डायरेक्शन भी अटेन कर लिया था वहाँ पे। डायरेक्शन कैसा था, वो स्ट्रेट मूव करना चाहती थी, लेकिन कार ने क्या करा, राइट में मूव करा। तो क्या होगा, आपकी बॉडी अपना पुराना वाला डायरेक्शन रिटेक करना चाहेगी, वो कहेगी मैं अपने पुराने वाले ही डायरेक्शन में जाऊंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जब आप राइट में मोड़ेंगे तो बॉडी लेफ्ट में मुड़ जाएगी अपना पुराना डायरेक्शन लेने के लिए। कार वगैरह में देखा होगा, जैसे कार जा रही होती है, एकदम से यहाँ पर टर्न आउट हुई, तो कभी कभी पैसेंजर आपने देखा होगा बाहर निकल के आते हैं, फिल्मों वगैरह में देखा होगा बाहर निकल के आते हैं, क्योंकि ज़्यादा शार्प टर्न है, वेलोसिटी कार की उस टाइम बहुत ही ज़्यादा है। तो क्या होते हैं, डोर वगैरह खुल जाते हैं, पैसेंजर गिर के आता भी, फिल्मों वगैरह में देखा होगा, रियल लाइफ में भी बहुत बार ऐसा हुआ है लोगों के साथ। वो सिर्फ और सिर्फ इनर्शिया की वजह से ही होता है, क्योंकि इनर्शिया हमारा क्या करता है, बॉडी का जो उसका डायरेक्शन अटेन हो चुका है उसको रिटेक करना चाहता है वो। अगर आप राइट में मुड़ रहे हैं तो आपकी बॉडी लेफ्ट में मुड़ेगी, अगर आपने कार को लेफ्ट में मोड़ा है तो आपकी बॉडी राइट में मुड़ जाएगी, मतलब राइट में तो बॉडी लेफ्ट में मुड़ेगी, और लेफ्ट में है तो बॉडी राइट में मुड़ जाएगी। तो ये तो हो गया हमारे टाइप्स ऑफ इनर्शिया की, कि इनर्शिया हमारे इतने टाइप के होते हैं। अब बात करते हैं कि इनर्शिया हमारा किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो इनर्शिया जो बच्चों हमारा डिपेंड करता है, इट्स ओनली डिपेंड्स ऑन मास, मतलब वो सिर्फ और सिर्फ मास पे डिपेंड करेगा। इट ओनली डिपेंड्स ऑन मास। अब मास पे ही किस तरीके से डिपेंड करता है, क्या ये मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है? तो बच्चों जो हमारा इनर्शिया होता है, आई, इनर्शिया को हम जो डिनोट करते हैं वो आई से करते हैं, कैपिटल आई से, जो ये डिनोट करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, मास के होता है। इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। इनर्शिया जो बच्चों हमारा होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होता है। देखिए आपको एक शॉर्ट में जल्दी से मैं बता देता हूँ कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता क्या है। देखिए कभी भी अगर हमारा ऐसे लिखा है आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, तो ये वाला जो साइन इस टाइम डिनोट करेगा, मतलब आई के सामने इस टाइम एम है, तो ये वाला जो साइन डिनोट करेगा यहाँ पे, ये करेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को डिनोट। इसका मतलब ये हुआ, जितना हमारा m इंक्रीज करेगा उतना ही i इंक्रीज करेगा, मतलब m इंक्रीज किया तो i भी इंक्रीज किया, वो उस पर डिपेंड कर रहा है ना, डायरेक्टली उसी पर डिपेंड है, तो m जैसे इंक्रीज करेगा वैसे वैसे i इंक्रीज करेगा। इसके बाद दूसरा टर्म आता है हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, हालांकि मैं आपको समझा रहा हूँ ये होता नहीं है, आई मीन मास पे ऐसे डिपेंड नहीं करता इनर्शिया, बस समझा रहा हूँ आपको कि साइन का मतलब होगा क्या। आई इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/m है, जैसे यहाँ पे इस टाइम अगर ये केस हमारा ऐसे बनता है 1/m, अगर m है ऐसे साइन आ रहा है तो उसको कहेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और अगर ये 1/m के फॉर्म में है तब इस साइन को हम कहते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ये साइन जो हमें डिनोट करेगा अब, ये करेगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इस केस में क्या होता है, देखिए जैसे जैसे हमारा एम इंक्रीज करेगा, जैसे अगर हमारा मास इंक्रीज करा, उस केस में क्या होगा, आई डिक्रीज करेगा हमारा, क्योंकि 1/m है ना। जैसे अगर हमारा यहाँ पे नंबर है 1/2 है, अब हम क्या कर रहे हैं, डिनोमिनेटर को इंक्रीज कर दिया, जैसे 1/2 तो 0.5 आया हमारा, और अगर नंबर हो जाता है हमारा 1/3, मतलब डिनोमिनेटर हमारा और इंक्रीज करा, जैसे ये मास था, मास और हमारा इंक्रीज करा 3 पे आ गया, तो ये वैल्यू हमारी क्या होगी, 0.5, और डिक्रीज हो जाएगी ना, ये आ जाएगी 0.3 हो जाएगी ये। तो जैसे जैसे हमारा मास इंक्रीज करता जाएगा, आई हमारा क्या होगा, डिक्रीज करता जाएगा, या तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि जैसे जैसे मास हमारा डिक्रीज करेगा, एम हमारा इंक्रीज करेगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है कि उल्टा, जस्ट उसके अपोजिट चलेगा, अगर ये डिक्रीज कर रहा है तो आई इंक्रीज करेगा, अगर ये इंक्रीज कर रहा है तो ये डिक्रीज करेगा। इतनी बात समझ में आई, हालांकि आई जो हमारा डिपेंड करता है वो इस पे करता है, ये तो बस समझाने के लिए मैंने आपको बताया था।
इनर्शिया हमारा क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होता है। यहां पूरा लिख ले रहा हूं, इनर्शिया इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। इसका मतलब जितना ज्यादा हमारा मास होगा उतना ही ज्यादा इनर्शिया, जिस बॉडी का जितना ज्यादा मास होगा उसमें उतना ही ज्यादा इनर्शिया होगा। चलिए क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, जैसे हमारे पास एक 5 kg की गेंदा है बॉल और एक 8 kg की बॉल है। अब बताइए इन दोनों में इनर्शिया किसका ज्यादा होगा। जिसने 5 kg बोला ना उसको वीडियो में घुस के मैं सुपरमैन पंच दूंगा। देखिए मास किसका ज्यादा है इन दोनों में, 8 kg का ज्यादा है, और पूछा क्या है कि इसमें इनर्शिया किसका ज्यादा होगा, तो जिसका मास बच्चों ज्यादा होता है इनर्शिया भी उसी का ज्यादा होगा। तो इस केस में इनर्शिया हमारा 8 kg बॉल का ज्यादा हो गया, बिकॉज यहां लिख दीजिएगा बिकॉज इट हैज मोर मास। ड्यू टू विच इट हैज मोर इनर्शिया, इसका मास ज्यादा है जिसकी वजह से इसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा। एक और एग्जाम्पल लीजिए, 100 kg का एक स्टोन है हमारे पास और एक है 105 kg का स्टोन। अब इसमें बताइए किसका इनर्शिया ज्यादा होगा, नीचे आपको दिख रहा है। अब इन दोनों में बच्चों किसका मास ज्यादा है, देखिए 105 kg इसका मास ज्यादा है तो इसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा। यहाँ पे हमसे और कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं इनर्शिया पे। एक बार एमयू में क्वेश्चन पूछा गया था, फाइंड द करेक्ट रिलेशन बिटवीन मास एंड इनर्शिया। क्वेश्चन था हमारा या फिर ऐसे कुछ था वो, विच रिलेशन इज करेक्ट, पहला ऑप्शन था हमसे यहां पे इनर्शिया और मास का पूछा था। तो पहला ऑप्शन था आई इक्वल टू एम, कि इनर्शिया मास के इक्वल होता है। दूसरा था इनर्शिया इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एम। सी ऑप्शन था इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, और डी ऑप्शन था हमारा इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम स्क्वायर। तो बताइए बच्चों इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। अभी हमने पीछे ही पढ़ा था कि इनर्शिया क्या होता है, मास पे डायरेक्टली डिपेंड करता है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उस पे डिपेंड करता है मास पे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, आई इक्वल होगा एम के, मतलब जितना हमारा मास होगा उतना इनर्शिया होगा। ऐसा तो है नहीं, क्योंकि वो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है ना, उसके इक्वल थोड़ी ना होता है, बराबर नहीं होता है वहाँ पे। और आई जो होता है हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एम, ये होता नहीं है हमारा। इनर्शिया कैसे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, मास पे डिपेंड करता है। तो देखिए मास हमें यहाँ पे भी दिया है, यहाँ पे भी दिया है, लेकिन हमने जो करेक्ट ऑप्शन पढ़ा था जब पढ़ा था इनर्शिया, तो वहाँ पे दिया था सिर्फ और सिर्फ मास के होता है, ना कि मास के स्क्वायर के होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन जो हो जाएगा बच्चों सही हो जाएगा। अब चलते हैं उस क्वेश्चन की तरफ जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिया था। अब स्टार्टिंग में जो बच्चे उस क्वेश्चन को नहीं कर पाए थे वो इस क्वेश्चन को अब कर लेंगे। क्वेश्चन था हमारा विच हैज मोर इनर्शिया, इफ यहां पे मैं इंक्लूड कर दे रहा हूं ये वाला पोर्शन, इफ द शेप एंड साइज ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट या फिर ऑफ ऑल बॉल आर सेम। मतलब शेप और साइज यहां पे सारी बॉल का कैसा है हमारा सेम है, हमें बताना है कि इसमें इनर्शिया सबसे ज्यादा किसका है। तो पहला ऑप्शन था हमारा आ रबर बॉल,
बी था अब प्लास्टिक बॉल, ऑप्शन सी विल बी अ स्टोन बॉल, डी ऑप्शन इज अ आयरन बॉल। अब देखिए इसमें ये नहीं है कि कोई भी छोटा है कोई बड़ा है, किसी का शेप और साइज जो डिफरेंट है। यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि सबका शेप और साइज कैसा है बच्चों, सेम है। अब हमें यहाँ पे ये बताना है कि इसमें सबसे ज़्यादा इनर्शिया किसका होगा। तो देखिए रबर बॉल से भारी कौन सी होती है, प्लास्टिक की बॉल होती है, और प्लास्टिक से भारी कौन सी बॉल होगी, स्टोन की बॉल होगी। तो स्टोन का मास ज़्यादा होगा प्लास्टिक की बॉल से, लेकिन जो हमारी आयरन की बॉल होगी वो सबसे ज़्यादा भारी होगी उस केस में। तो आज स्टोन बॉल से ज़्यादा हैवियर कौन सी हुई वहाँ पे, आयरन की बॉल हुई, आयरन का मास ज़्यादा हुआ आयरन बॉल का, तो इनर्जिया भी सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा यहाँ पे, आयरन बॉल का हो जाएगा। यहाँ एक आयरन बॉल का इनर्जिया इस केस में सबसे ज़्यादा होगा। ये क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में दिया था आपको। अब ये बताइए क्या इनर्जिया की कोई यूनिट हो सकती है, इसकी डेफिनेशन मैंने क्या लिखवाई थी, इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी। ये एक बॉडी की प्रॉपर्टी है ना कि कोई फिजिकल क्वांटिटी है, और यूनिट किसकी होती है, फिजिकल क्वांटिटी इसकी सिर्फ होती है। मैंने मोशन चैप्टर में आपको बताया था कि सिर्फ और सिर्फ फिजिकल क्वांटिटीज की ही यूनिट होती है, लेकिन ये तो प्रॉपर्टी है हमारी एक, तो इट हैज़ नो यूनिट, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। और एक चीज़ और जान लीजिएगा, कभी कभी हमसे एकेडमिक लेवल में जब क्वेश्चन वगैरह पूछा जाता है या फिर कंपटीशन में पूछ लिया जाता है कि गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया का दूसरा नाम क्या है, या फिर हमसे ऐसे कहते हैं एक्सप्लेन द गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया, तो बच्चों न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ होता है उसी को हम कहते हैं गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन फर्स्ट लॉ को ही हम कहते हैं गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया। तो आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा न्यूटन सेकंड लॉ के बारे में, और उस पर बेस कुछ एग्जांपल्स कराऊंगा आपको। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और पढ़ाई करते रहिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।